आज फिर से लेफ्टिस्ट ने अपनी गंदी राजनीति के चलते इतनी बड़ी हिंसा करी कि जेएनयू में घुसकर वहां की लड़कियों को, वहां के स्टूडेंट्स को इतना मारा कि वो लोग खूनम खून हो गए। शर्म आनी चाहिए जो भी लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि नकाबपोश बनकर ये घुसते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ा काल्पनिक अध्याय जो रचा इन लोगों ने सीए के खिलाफ, सीए के विरोध में, अब उसे और बढ़ा करने की कोशिश है। और दिन प्रतिदिन ये लोग बस इसी कोशिश में है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को बदनाम करें, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाएं और उनके भेस में घुसकर स्टूडेंट्स को मारें। लेफ्टिस्ट की ये गंदी राजनीति चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जी इस समय कह रहे हैं कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करी, मैंने ये करा, मैंने फलाना करा, मैंने ढिमकाना करा। साफ तौर पर पता चल रहा है कि आपकी मर्जी के बिना और आपके सपोर्ट के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। नहीं तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत जो सीधा घुस जाते हैं कॉलेज हॉस्टल में और ये सब कारनामे करते हैं। आपको पता है कि इस समय चुनाव नजदीक है और सीए के विरोध में आप ये गंदे काम और ये कांड आप करा रहे हैं, और यही वजह है कि आज आप यहां पर दोगला रूप अपना साफ लोगों को दर्शा रहे हैं। शर्म करिए, और शर्म करें वो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स नहीं कहूंगी, वो तो शायद वो दे लाइक एविल्स जो नकाबपोश बनकर दूसरे स्टूडेंट्स पर जाकर हमला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।